नमस्कार सबको, गुड इवनिंग, शुभ संध्या का। तो आज हम कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत दिन के बाद मैं सोच रहा था कि एक इस विषय पर बोल जाऊं, बिकॉज कमिटमेंट बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है अपने लाइफ में। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हम मतलब गोल रखते हैं, गोल सेटिंग, कुछ भी करने की चाह रखते हैं, तो कमिटमेंट चाहिए होता है। कमिटमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ ज़्यादातर मतलब अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज करने वाले हैं, कमिटमेंट कितना महत्वपूर्ण है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। कमिटमेंट के तौर पर हम क्या क्या इस ज़िंदगी में हम मतलब वहाँ पे हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ मतलब पा सकते हैं, जो चाहे उस मुकाम तक हम जा सकते हैं। तो बहुत ही सेल्फ कमिटमेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी हमारे ज़िंदगी में हम कुछ भी मतलब वहाँ पे कुछ भी करने की चाह रखते हैं, गोल रखते हैं, उसको पूरे करने की कमिटमेंट रखना चाहिए। हम जब उतना कमिटमेंट रखते हैं तो बहुत ही नज़दीक जाके पहुँचते हैं। कौन सा भी कमिटमेंट रहने दो, वहाँ पे हम मतलब उस पहुँचने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आते हैं, तो सीधा इजी तौर से हम वहाँ पे मतलब रिच हो जाते हैं। तो कमिटमेंट के बारे में आज थोड़ा सा आपके साथ में हूँ। जीवन में कुछ भी करने की चाह रखते हैं तो कमिटमेंट चाहिए। ओके, सही राह पर चलने के लिए कमिटमेंट चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के नज़रों में उठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, अपने खुद के नज़रों में उठना है। अपने खुद के नज़रों में इतना सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस लाना है कि दुनिया वाले भी देखते रह जाए। जब हम खुद के मतलब नज़रों में उठते हैं तो दुनिया के नज़रों में ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। ओके, तो एक दो दिन की बात नहीं है, तो लगातार खुद पर काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। जो भी आप मतलब तय करते हैं, मन में ठान लेते हैं, उसको कमिटमेंट करना चाहिए। कमिटमेंट ही लास्ट तक आपको पहुंचा देता है। कमिटमेंट ही आप जो मुकाम आपने फिक्स किया है वहां तक आपको ले जाती है। तो बहुत ही ज़रूरत है, कुछ भी आप करते हो, कुछ भी करने की चाह रखते हो, तो कमिटमेंट के बिगौर नहीं लगौर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कमिटमेंट रखना ही चाहिए। कमिटमेंट बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है, जो हम मतलब हमारे लक्ष्य और गोल तक हम जा सकते हैं। डिसीजंस लेने के लिए ताकत लगती है। डिसीजन जो लेते हैं तो उसको ताकत लगती है, इसलिए डिसीजन नहीं होता है। और जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर डिसीजन लेना है, रोज़ डिसीजन लेने नहीं पड़ता आपको। ओके, रोज़ मतलब बहुत सारे कठिनाइयों को हमको फेसिंग करना पड़ता है, लेकिन डिसीजन कभी तो एक बार ही लेना पड़ता है। तो डिसीजन रोज़ रोज़ नहीं लेना है। तो डिसीजन लेते वक्त भी आपको बहुत सोच विचार से लेना है। जो भी आपने कमिटमेंट किया है उसको कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे डिसीजंस लेने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो डिसीजन लेते वक्त आपको सोच समझ कर लेना है। एक बार किस चीज़ का कमिटमेंट किया तो पूरा करना ही है। आप कुछ भी करने की चाह रखते हैं, कुछ भी मतलब आपके गोल्स हैं, कुछ भी आपने एक काम आपके हाथ में लिया तो वो पूरा ही करना है। पूरा करने के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ उसके साथ जुटना है आपको। जब आप पूरा कमिटमेंट करते हो तो वो काम मतलब वहाँ पे सही ढंग से हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता हो। कुछ मतलब बहुत अच्छे तरह से आपका जो भी आपने काम वहाँ पे लिया है हाथ में वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में लीजिए। उसके लिए कमिटमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ कमिटमेंट, आपके वर्क के साथ कमिटमेंट, के जो भी डिसिप्लिन लिया है उसके साथ कमिटमेंट, तो बहुत ही बढ़िया, आपको इसमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कमिटमेंट के साथ हमको काम करना है। कमिटमेंट हमने किया तो वो पूरी करनी ही पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो आपके लीड, आपके जो ग्रुप है, ओके, आपका जो भी मतलब टीम है उसके साथ उनको आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो जो भी आपने जो भी कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरे करने की आपको चाह रखनी चाहिए। कमिटमेंट मतलब क्या है, मतलब सिंपल आपको बताता हूँ, सिंपल। ओके, समझो, आपको किस तो चीज़ की चाह रखते हैं, किस की मतलब जहाँ पर जाने की गोल रखते हैं, आपको किस की चीज़ तो आप चाहिए वो पाना है आपको,
तो उस पाने के लिए आपको जो जो करना पड़ता है वो करना है, मतलब पढ़ाई करना करना, एक्सरसाइज, मतलब समझो एक अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, एक अच्छा फिजिक चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट करना चाहिए, ओके, एक अच्छा आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तो इसमें कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाके एक अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है। तो मतलब आप अच्छे एक्सरसाइज नहीं करोगे, ओके, आप खुद पर नहीं ध्यान दोगे, आपके फिजिक के ऊपर नहीं ध्यान दोगे, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप कमिटमेंट नहीं है आपके, मतलब आपके जो भी लक्ष्य है उसके साथ आप कमिटमेंट नहीं है, तो कमिटमेंट रहना चाहिए। जब तक आप कमिटमेंट नहीं है तब तक मतलब उस जो भी आपने गोल रखा है या कुछ भी करने की चाह रखा है वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाली नहीं, तो उसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ डिसिप्लिन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो न्यूट्रिशंस क्लब का यहाँ पर आपको एक मतलब कमिटमेंट दे दूँगा, समझो हमारे जो सभी वेलनेस कोचेस हैं न्यूट्रिशंस क्लब के, उनका टाइमिंग फिक्स है, लोगों का मतलब बैचेस फिक्स है, ओके, वहाँ के अपॉइंटमेंट फिक्स रहते हैं, लेकिन उस टाइम से लेकर बहुत कमिटमेंट रहते हैं, तो उस टाइम में हमारा न्यूट्रिशंस क्लब ओपन ही होता है, ओके, वहाँ पर लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, अपॉइंटमेंट्स के लिए आते हैं, जिनको भी हम जो टाइम दिया रहता है उसके पहले हम वहाँ पर हाजिर रहते हैं, तो दिस इज़ कमिटमेंट, ओके। तो जो भी हम मतलब जो भी हमारा प्रोफेशन है, बिजनेस है, हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है, ओके, अपने पढ़ाई के साथ कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जब तक आप कमिटमेंट नहीं लेते हैं उस विषय में आप ज़्यादातर सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो, और खुद को मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते हो, खुद को स्ट्रांग नहीं बना सकते हो। तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, उस मुकाम तक आपको जाना है, तो आपको कमिटमेंट करना ही होगा, सेल्फ कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल और कमिटमेंट ज़रूरत, दोनों ज़रूरत है। मतलब आपने कुछ तो गोल सेटिंग किया है, कुछ तो बड़ा आपको हासिल करना है, ये आपकी गोल है और आपने सेटिंग किया है, लेकिन वो पाने के लिए, वो हासिल करने के लिए आप मतलब कमिटमेंट नहीं है, आप मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एजुकेशन नहीं ले रहे हो, तो वो गोल कैसे हासिल कर पाएंगे? वो जो भी आपने गोल सेटिंग किया है उसके बारे में आपको मतलब वहाँ पे जानकारी लेना होगा, प्लानिंग करना होगा, एक्शन प्लान लेना होगा, मतलब इस सभी जो ड्यूरिंग इसमें जो मतलब काम आता है वो है अपना कमिटमेंट, ओके, उसके साथ मतलब जो भी लगने वाला है, जो भी मतलब जिस मुकाम तक हमको पहुँचना है उसका जो भी इंफॉर्मेशन लेना है और हमको मतलब वहाँ तक पहुँचना है कमिटमेंट के साथ। हम जब भी गोल सेट करते हैं तो वो पूरा होता है या नहीं देखना चाहिए। हम कहीं पर भी जाने की गोल रखते हैं, कुछ भी चाहने की गोल रखते हैं, कुछ तो बड़े हासिल करने की चाह रखते हैं, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, हम कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने गोल सेटिंग किया था उसके बारे में हम कितने सीरियस हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी मतलब गोल सेटिंग किया है, जो भी हमको पाना है, जिस मुकाम तक जाना है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, ओके, तो हम मतलब ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, नज़रअंदाज कर रही है, तो उस मुकाम तक हम नहीं पहुँचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ओके, अपने खुद के ऊपर मतलब सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए, और कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप में कमिटमेंट नहीं आता है तो तब तक आप मतलब वहाँ आप जो भी आपने गोल फिक्स किया है वहाँ तक पहुँचने की मतलब संभावना नहीं रहती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी है आपको समझ के लेना। तो एक आप ध्यान में लीजिए, आप यहाँ पे एक उदाहरण बताना चाहता हूँ मैं, जो इंडियन क्रिकेटर के बेस्ट क्रिकेटर रहे हैं अपने विराट कोहली। तो सभी लोगों को ये उदाहरण मालूम है, सभी लोगों को ये एग्जाम्पल मालूम है। तो जब विराट कोहली मतलब रणजी क्रिकेट खेल रहे थे दिल्ली के तौर से कर्नाटक के साथ, ओके, तो उस दरमियान नाइट को जो फर्स्ट दिन हो गया, कसौटी क्रिकेट चालू था, तो उस दिन मतलब अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली, और दूसरा दिन उनका ही मतलब ज़्यादा वहाँ पे मौत होता। तो उस रात को उनके पिताजी जो प्रेम कोहली है उनका वहाँ पे निधन हुआ था। लेकिन सबको लग रहा था कि अभी कोहली वहाँ पे नहीं रहेंगे, कोहली अपने घर को जाएंगे, ओके, जो वहाँ पे मतलब पिताजी का निधन हुआ, बल्लेबाजी करी, फिर वो मतलब वहाँ पे निधन वार्ता को गए। तो कितना कमिटमेंट लगता है, तो आप इस उदाहरण से देख सकते हैं। जो भी उन्होंने मतलब उनके जो टीम है उन जिताए में उनका मतलब वहाँ पे उनका सहयोग रहा, उनका कमिटमेंट काम से, तो उनका जो करियर शुरू हुआ था,
तो इतना कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम किसी भी मतलब जो भी हमको चाहिए, जिसमें हमको गोल मतलब पाना है, जिस मुकाम तक पहुँचना है, इस कमिटमेंट के साथ हम गए तो ज़्यादा वो हमको हासिल करने वाले हैं, ज़्यादा उसमें सक्सेस मिलने वाला है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस मुकाम तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, वो गोल हम हासिल नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान में लेना बहुत ही ज़रूरत है। ओके, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं अपने विषयों में, वो हम मतलब विषयों जो उदाहरण है वो सामने रख के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो गोल हम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं बड़े बड़े लोगों के, वो हम लोगों को फॉलोअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम सेशन रखे थे। लेकिन खुद के साथ सिंसियर रहना बहुत ज़रूरी है, वो पाने के लिए कमिटमेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम कमिटमेंट नहीं रहेंगे, खुद के डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, मैं खुद, सभी वेलनेस कोचेस और आमतौर सभी लोग एक्सरसाइज करने की जब भी हम मतलब शुरू करते हैं तो एक मन में ठान लेते हैं, तो मुझे एक अच्छा फिजिक बनाना है, मुझे अच्छा हेल्थ बनाना है, मुझे अच्छा रिजल्ट मतलब हासिल करना है, तो खुद के साथ एक कमिटमेंट करते हैं एक्सरसाइज करने की। ओके, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जितना भी पेन हो जाए, सेकंड डे को, थर्ड डे को, फोर्थ डे को, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं छोड़ते हैं, तो बिकॉज हमने एक अच्छा कमिटमेंट किया है। ओके, खुद को एक अच्छा मतलब खुद को एक समझा है, एक अच्छा फिजिक हासिल करना है, हेल्थ हासिल करना है, ओके, एक अच्छा गोल तक पहुँचना है, तो मतलब वहाँ पे कमिटमेंट आता है। तो कमिटमेंट कितनी ज़रूरत है आप देख सकते हैं। जब हम कमिटमेंट करते हैं तो उस मतलब वहाँ तक पहुँच ही जाते हम। ओके, तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो हासिल होगा ही नहीं होगा, ये मतलब ये मेंटेलिटी नहीं रहेगी। जब भी हम कमिटमेंट करते हैं तो उस दिशा में हम जाते हैं। ओके, वो पाने के लिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जी जान से कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं। ओके, डिटरमाइन वहाँ पे रहता है कॉन्सेंट के साथ, तो बहुत ज़रूरी है। तो कमिटमेंट का आप मतलब सही अर्थ यहाँ पे समझे होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, प्रतिबद्धता। ओके, तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। ब्लेम करना छोड़ना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो एक अच्छा समझदार व्यक्ति आप नहीं कहलाते हो। ओके, तो फर्स्ट मैं ब्लेम के बारे में बोलूँगा, अपने माँ बाप के बारे में, मदर फादर के बारे में, टीचर्स के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में, मेंटर के बारे में ब्लेम करते नहीं बढ़ना है। तो खुद को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आगे बढ़ते ही रहना है। ओके, खुद में आपको चेंजेस करना है, खुद के ऊपर काम करना है, एक बेहतरीन आपको एजुकेशन लेके, जो भी मुकाम आपने तय किया है आपके मन में, गोल हासिल करने की आपने तय किया है, वो पाने के लिए आपको हासिल करना है। बिकॉज बट ये सभी आपके कमिटमेंट के साथ होने वाला है। जितना आप कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, आप मतलब सिंसियर के साथ करोगे, उतना आपके जो भी मतलब गोल सेटिंग किया है, आपने जो भी चीज़ हासिल करने के लिए मन में आपने ठान लिया है, ओके, जो भी आपका लक्ष्य है वो पाने के लिए आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये ध्यान में लीजिए। तो कमिटमेंट करना है, खुद को सेल्फ कमिटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुद को बदलने की कमिटमेंट लेनी है, तो खुद को बदलना ही है। आप ध्यान में रखिए, एवरी 3 मंथ 6 मंथ खुद में कुछ चेंजेस होने चाहिए, नए स्किल सीखना चाहिए। मुझे ये नहीं आता है ऐसा कहीं पर भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना है। हर एक चीज़ में कुछ तो नया सीखना है, उसमें माहिर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एजुकेशन्स लेना है। ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये सब चीज़ों में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरत है। डिसिप्लिन के साथ काम करना है, कंसिस्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रोज़ के रोज़ हम कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे, उसमें मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे, और वो चीज़ बहुत ही आसान लगने लगेगी। रोज़ करते रहेंगे, एक आदत पड़ जाएगी। अच्छी आदत लगाना है। ओके, अच्छा एजुकेशन लेना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। ओके, अच्छी आदतें, ये सभी सेशन हो चुके हैं। ये सभी सेशन के बारे में आप मतलब प्रीवियस जो पोस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे सेशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, रोज़ डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, तो कमिटमेंट के बारे में आपको बोलूँगा।
तो खुद को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है, कुछ भी करके खुद को बदलना है, एक बेहतर बनाना है, बेहतर पर्सन बनाना है, ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ओके, खुद के नज़रों में, जो मैं फर्स्ट जो सेंटेंसेस बोला था कि खुद के नज़रों में हमको उठाना है, बढ़ाना है, बड़ा होना है, तो ऑटोमेटिक दुनिया की नज़रों में हम बड़े हो जाएंगे, एक अच्छा हासिल करेंगे, हम एक गोल मतलब हासिल कर पाएंगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति वहाँ पे हम बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, जो भी आप हो, सक्सेसफुल बिजनेस आप पर्सन बन सकते हो, सक्सेसफुल वेलनेस कोचेस आप बन सकते हो, कुछ भी आपने ठान लिया है, कुछ भी आपने कमिटमेंट किया है, गोल में कुछ भी आपने मतलब गोल सेटिंग किया है, वो पाने के लिए ज़्यादा आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो कमिटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया, इतने ही मेरे साथ, मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख के लिया था कमिटमेंट के बारे में, इतना ज़रूरी है कमिटमेंट कि मतलब आप सक्सेस के करीब जा सकते हो, ओके। एक डिसिप्लिन के साथ जो भी आपके मन में है वो पाने की आप वहाँ पे चाह रख सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। जितने आप मतलब मन लगा के करोगे, जितने कमिटमेंट के साथ आप करोगे, उतना आप वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, ओके। तो मैं भी मेरे काम से बहुत कमिटमेंट रहता हूँ, एजुकेशन लेता हूँ, ओके, मेरे ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, बुक पढ़ाई करता हूँ, मेरे कस्टमर्स को मैं वहाँ पे अप्रोचिंग करता हूँ, जो भी मतलब सोशल मीडिया पर रिप्लाइंग देना हो वो रिप्लाई वहाँ पे देता हूँ। तो सभी को करना ही है, करते ही होंगे, तो थोड़ा सा उसमें कमिटमेंट में डिसिप्लिन बढ़ाना है, सिंसियर बढ़ाना है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, एक अच्छा गोल पा सकते हैं, अपना जो जीवन है वो हैप्पी बना सकते हैं। और हम जैसे सभी वेलनेस कोच मेकिंग वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इसी मिशन पर है, सभी लोगों को हेल्दी बनाना है, सभी लोगों को हैप्पी बनाना है। तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पे मतलब अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे साथ जुड़ गए, यहाँ पे इतने टाइम से आप मुझे सुन रहे हैं, सभी को बहुत धन्यवाद, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं कमिटमेंट के बारे में बताया हूँ आपके लाइफ में आप यूज़ करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। इस सेशन होने के बाद आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस कमिटमेंट के बारे में आपको क्या क्या लगा, जो पॉइंट्स अच्छा लगा, ओके। आप ये पोस्ट शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को ये यूज़फुल हो सकता है, ओके। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, फिर से मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ जल्द ही जुड़ूंगा, और जैसे ही रोज आपके मतलब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को अभी भी घर में रहना है, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा न्यूट्रिशंस लीजिए, खुद को फिट कीजिए, सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, ओके। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। एक्सरसाइज और अच्छा खाना लेना है, अच्छा नींद लेना है, एक्सरसाइज करना है, जब ऐसा करेंगे एक अच्छा इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा, जो ऑलरेडी एक सेशन में हम इम्यूनिटी के बारे में बोल चुके हैं, ओके। तो एक्सरसाइज कर कैसा करना है इसके बारे में बोल चुके हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बोल चुके हैं। तो जो भी आपको रेफरेंस चाहिए, आप मतलब बैक जो भी है सेशंस उसमें जा सकते हैं, सभी सेशंस को एक एक मतलब वहाँ पे हैश HLC सेशन _ 1 2 3 4 ऐसा मैंने दिया है, तो वहाँ जाके आप अटेंड कर सकते हो, इजी हो सकता है, जो भी आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को जल्द ही मेरे आपके साथ में आऊँगा फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके, तब तक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट्स।